हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज है 13 जून और आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे आज के दिन के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, आज अनाउंस होगा टॉप कमेंटेटर ऑफ द मंथ का अवार्ड, तो आप लोग पूरी वीडियो ध्यान से देखते जाइए, देखिए, पता कीजिए कि जो अवार्ड पाएंगे उनको क्या मिलने वाला है। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का पहला क्वेश्चन था, नासा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर स्थित है वाशिंगटन DC में। अगला, कोरोना वायरस मुक्त होने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? तो वो बना था स्लोवेनिया, एक यूरोपियन कंट्री है ये। इन दोनों क्वेश्चंस के बारे में जिन लोगों ने डिटेल में आंसर किया है उन टॉप 15 लोगों के नाम मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। चलिए बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। आज का पहला क्वेश्चन है, NIRF द्वारा जारी रैंकिंग में भारत का सर्वश्रेष्ठ संस्थान कौन सा है? तो NIRF यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट्स रैंकिंग फ्रेमवर्क, इसने अभी हाल ही में दोस्तों भारत के जितने इंस्टीट्यूट्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, IIT संस्थान हैं, उन सभी की रैंकिंग जारी की है, और जिसमें ओवरऑल कैटेगरी में टॉप पर है IIT मद्रास। कौन है? IIT मद्रास। दोस्तों, कुछ कैटेगरीज हैं जिनके बारे में मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपको याद रखना है। जैसे अगर आपसे ओवरऑल कैटेगरी के बारे में पूछा जाए तो ओवरऑल कैटेगरी में IIT मद्रास है, लगातार दूसरी बार ओवरऑल कैटेगरी में ये टॉप पर रहा था, ठीक है। और यही इंजीनियरिंग कैटेगरी में भी टॉप पर है, लेकिन हम लोग पहले ओवरऑल कैटेगरी की बात करते हैं। ओवरऑल कैटेगरी में सेकंड पर है दोस्तों IIS बेंगलुरु, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस बेंगलुरु, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं यूनिवर्सिटीज़ की। तो यूनिवर्सिटी की रैंकिंग में दोस्तों टॉप पर है IIS बेंगलुरु, ध्यान रखिएगा। अगर ओवरऑल कैटेगरी में देखा जाए तो IIS जो बेंगलुरु है वो सेकंड पर है, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग में अगर बात की जाए तो टॉप यूनिवर्सिटी है IIS बेंगलुरु, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस बेंगलुरु। सेकंड पर है JNU दिल्ली का, ठीक है, और थर्ड पर है BHU बनारस का, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ओके। तो ये तीन हो गए यूनिवर्सिटी की रैंकिंग। अब इंजीनियरिंग की बात करते हैं। तो इंजीनियरिंग में जैसे कि मैंने आपको बताया IIT मद्रास है टॉप पर, सेकंड पर है IIT दिल्ली और थर्ड पर है IIT बॉम्बे, क्लियर बिल्कुल। चलिए, और ओवरऑल कैटेगरी में अगर पूछा जाए तब आप IIT मद्रास का ही नाम बताएंगे। अगर भारत का सर्वश्रेष्ठ संस्थान पूछा जाता है तो बाय डिफ़ॉल्ट आप लोग ओवरऑल कैटेगरी समझेंगे और IIT मद्रास का नाम बताएंगे। लगातार दूसरी बार ये आया है टॉप पर। अब दोस्तों, अभी हाल ही में QS ने वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग जारी की थी, मैंने कल ही आपको बताया था। इसमें टॉप पर था मैसाचुसेट यूनिवर्सिटी अमेरिका की, सेकंड पर था स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और थर्ड पर थी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, तीनों ही अमेरिका की। लेकिन उसमें दोस्तों इंडियन के इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो बहुत ही नीचे थे, ठीक है, 170 तक के आसपास तो कोई था ही नहीं, 172 पर था IIT बॉम्बे। तो इतना पीछे रैंकिंग था, इस वजह से HRD मिनिस्टर का कहना है कि वो अभी जो ये वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की रैंकिंग जारी की गई है उससे वो सहमत नहीं है। तो इस वजह से इंडिया के इंस्टीट्यूट्स की रैंकिंग जारी की जाती है जिससे जो स्टूडेंट्स हैं इंडिया के वो अपना ड्रीम सेट कर सकें, क्लियर है। अब दोस्तों, कल की जो यूनिवर्सिटी की रैंकिंग थी उस पर मैंने आपका क्वेश्चन ऑफ द डे भी बनाया हुआ है, तो आप लोग कल की वीडियो से डिटेल में उसमें लिख सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने बुजुर्ग नागरिकों के लिए पंचवटी योजना शुरू की? तो अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश ने शुरू किया है पंचवटी योजना, किसके लिए? बुजुर्गों के लिए। अब इसके तहत होगा ये, जो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले बुजुर्ग नागरिक हैं, जो सीनियर सिटीजन्स हैं, उनके लिए दोस्तों पार्क खोले जाएंगे, पार्क और उद्यान वगैरह खोले जाएंगे, ठीक है। प्रत्येक विकास खंड में जो आवश्यक सुविधाएं होती हैं उनसे लैस पार्क खोले जाएंगे। ये लगभग राज्य भर में 100 पार्क होंगे, जिस वजह से जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो इसमें जा कर के अपना व्यायाम वगैरह कर सकेंगे, घूम टहल सकेंगे, ठीक है। चलिए, हिमाचल प्रदेश ने इसे शुरू किया है। अब हम लोग जानते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में, राजधानी यहाँ की है शिमला, ये रहा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के CM हैं BJP से जयराम ठाकुर जी, बंडारू दत्तात्रेय हैं यहाँ के करंट टाइम पर गवर्नर, शिकारी देवी अभ्यारण्य है हिमाचल प्रदेश में ही। हिमाचल प्रदेश अपना बॉर्डर किससे किससे शेयर करता है? तो हिमाचल प्रदेश दोस्तों लद्दाख से, जम्मू कश्मीर से, पंजाब से, हरियाणा से, उत्तराखंड से और उत्तर प्रदेश से भी अपना बॉर्डर शेयर करता है। इतना क्लियर है। हिमाचल प्रदेश के अगर हाईकोर्ट की बात की जाए तो यहाँ के चीफ जस्टिस हैं लिंगप्पा नारायण स्वामी। कौन है? लिंगप्पा नारायण स्वामी। दोस्तों, सभी राज्यों की राजधानियाँ, उनके CM और उनके गवर्नर कौन कौन हैं और उन राज्यों में जो जो हाईकोर्ट हैं
जिन जिन राज्यों में, ठीक है, उनके चीफ जस्टिस कौन है, इसकी पूरी की पूरी लिस्ट आपको मिल जाएगी MZT ऐप में स्टडी मटेरियल वाली कैटेगरी में। तो स्टडी मटेरियल सेक्शन में जाइएगा, आप लोग को वो मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं, तैयार कर सकते हैं कि वर्तमान में कौन क्या क्या है। क्लियर है? चलिए अगला बात करते हैं, किस देश की रेलवे ने पहला हाई राइज OHE चालू करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो अभी हाल ही में भारतीय रेलवे ने बनाया है एक वर्ल्ड रिकॉर्ड, एक पहला हाई राइज OHE चालू करके, OHE यानी कि ओवरहेड इक्विपमेंट, ये चालू करके एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इसे पश्चिमी रेलवे ने चलाया है, इस पर डबल डेकर स्टैक कंटेनर जो है वो चलाया गया है, ऐसा करने वाला पहला रेलवे बन गया है। जो स्टूडेंट रेलवे की तैयारी कर रहे हैं बहुत ध्यान से देखेंगे। अब देखिए ये ओवरहेड इक्विपमेंट होता क्या है, हाई राइज वाला ओवरहेड इक्विपमेंट मतलब आप लोग देखते होंगे जब भी ट्रेन चलती है तो ऊपर कुछ वायर जुड़े होते हैं, तो जिससे वो कनेक्ट रहते हैं उसको तो कहा जाता है पेंटाग्राफ, ठीक है, पेंटोग्राफ, और ऊपर जो वायर होता है उसे कहा जाता है ओवरहेड इक्विपमेंट या ओवरहेड वायर, ठीक है। तो ये पूरा सिस्टम जो हुआ वो ओवरहेड इक्विपमेंट हो गया। अब हाई राइज का मतलब ये है कि इसका ऊंचाई बढ़ा दिया गया है, कितना कर दिया गया है, 7.5 मीटर का। अब देखिए इस ओवरहेड इक्विपमेंट का यूज़ डीजल इंजन में भी होता है और इलेक्ट्रिक इंजन में भी होता है, लेकिन मोस्टली देखा जाता है इलेक्ट्रिक इंजन में। क्यों? क्योंकि डीजल इंजन जो होता है वो पहले डीजल से तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा, तब जा करके वो पेंटोग्राफ का यूज़ करेगा, ठीक है, डिब्बों के अन्य भागों में, अन्य डिब्बों में सप्लाई वगैरह पहुँचाने के। अच्छा, ये जो सप्लाई होती है कहाँ से मिलती है ट्रेन को? तो जो सब स्टेशन बनाए जाते हैं, आप लोग देखते होंगे स्टेशन पर सब स्टेशन बनाए जाते हैं 25 KV का, ठीक है, उससे सप्लाई ली जाती है। तो आपको इस क्वेश्चन से ध्यान ये रखना है कि ये जो ओवरहेड इक्विपमेंट है ये हाई राइज है, इसकी ऊंचाई जो है 7.5 मीटर की है, और ऐसा करके ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है इंडिया ने, और इसका संचालन कहाँ से कहाँ तक किया गया है इसको आपको ध्यान रखना है, कहाँ से कहाँ तक किया गया है, गुजरात के पालनपुर और बोटाद स्टेशनों के बीच में किया गया है, ठीक है, गुजरात के पालनपुर और बोटाद स्टेशनों के बीच से ये किया गया है, 10 जून को किया गया है, ठीक है, पश्चिमी रेलवे ने इसे चलाया है, इतना आपको याद रखना है अगर आप रेलवे की तैयारी करते हैं तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला है मर्सर के 2020 कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार भारत में सबसे महंगा शहर कौन बना? तो मर्सर ने अभी हाल ही में एक लिस्ट जारी की है कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2020, इसके अनुसार भारत में सबसे महंगा शहर है मुंबई, और मुंबई का अगर ओवरऑल देखा जाए तो मुंबई पूरी दुनिया में 60वें स्थान पर है, 60 नंबर पर है, और अगर एशिया में बात की जाए तो सिर्फ एशिया में मुंबई है 19वें स्थान पर। तीनों याद रखिएगा, भारत में सबसे महंगा शहर मुंबई, दुनिया में मुंबई का स्थान 60वां, एशिया में मुंबई का स्थान 19वां, ठीक है। सेकेंड पर भारत में सबसे महंगा शहर है दिल्ली, और इसका ओवरऑल है स्थान 101वां, कौन सा, 101वें स्थान पर है दिल्ली, और थर्ड पर है चेन्नई, ठीक है, भारत में थर्ड पर चेन्नई है, और ओवरऑल इसकी रैंक देखी जाए तो 143 है। क्लियर इतना? अब देखिए ये तो हो गई भारत की सिटीज, अब अगर भारत के अलावा पूछा जाए कि दुनिया में टॉप पर कौन है, तो फर्स्ट पर है दोस्तों हांगकांग, सेकेंड पर है अशकाबाद तुर्कमेनिस्तान की राजधानी, थर्ड पर है टोक्यो जापान की राजधानी, फोर्थ पर है ज्यूरिख, और फाइव पर है सिंगापुर। क्लियर है बिल्कुल? चलिए अगर भारत में सबसे लास्ट पूछा जाए तो इस लिस्ट में भारत में सबसे सस्ता शहर जो है वो है कोलकाता। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला है भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन बना? तो भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म दोस्तों बनने वाला है हुबली स्टेशन। हुबली स्टेशन है कर्नाटका में, कहाँ पर, कर्नाटक में है, और ये अगले एक वर्ष में कंप्लीट हो जाएगा, अभी इसका इस पर काम चल रहा है, लेकिन तब ये बन जाएगा 1400 मीटर लंबा ये रेलवे प्लेटफॉर्म, और 10 मीटर की इसकी चौड़ाई होगी, 1400 मीटर की इसकी लेंथ होगी, और ये बन जाएगा दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म। सेकंड पे अगर बात करें तो तब सेकंड पर हो जाएगा गोरखपुर, हालांकि अभी अगर बात करें तो अभी वर्तमान में ये ही टॉप पर है, गोरखपुर रेलवे स्टेशन जो है 1366 मीटर की लंबाई के साथ भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। क्लियर है? थर्ड पर कौन हो जाएगा? तो जो अभी सेकंड पर है वो थर्ड पर हो जाएगा, सेकंड पर है कोल्लम, ठीक है, कोल्लम स्टेशन, और इसकी लंबाई है 1180 मीटर, इसे ध्यान रखना आपको,
ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। चलिए भारतीय रेलवे आया है तो हम लोग भारतीय रेलवे के बारे में थोड़ा सा इसके इतिहास के बारे में रिवाइज कर लेते हैं। 16 अप्रैल को 1853 में सबसे पहले इंडिया में ट्रेन चलाई गई थी, 16 अप्रैल को चलाई गई थी, इस वजह से 16 अप्रैल को मनाया जाता है भारतीय रेलवे दिवस। 1853 को जब ये चलाई गई थी दोस्तों, तब लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल था। किसका? लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल हुआ करता था। अब दोस्तों ये जो चली थी इसका नाम था ट्रेन का ब्लैक ब्यूटी। क्या नाम था? ब्लैक ब्यूटी नाम था। और ये ट्रेन चली थी मुंबई से ठाणे के बीच में, 34 किलोमीटर की दूरी हुआ करती थी। फिर आगे चलकर 1890 में रेलवे एक्ट लाया गया, भारतीय रेलवे एक्ट लाया गया। फिर 1905 में जाकर के जब लॉर्ड कर्जन का शासनकाल था और 1905 में ही बंगाल विभाजन हुआ था, आप लोग को याद होगा, तो तब दोस्तों भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई। कब स्थापना हुई? 1905 में। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। विनोद कुमार यादव जी दोस्तों अभी करंट टाइम पर हैं भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है, किस राज्य ने हाल ही में COVID-19 वार बॉट नामक रोबोट डेवलप किया? तो अभी हाल ही में त्रिपुरा ने दोस्तों COVID-19 वार बॉट नामक रोबोट डेवलप किया है। सेम वही काम होगा इसका भी कि जो मरीज होंगे वार्ड में या हॉस्पिटल में, जो मरीज होंगे अपने अपने रूम में, उनके रूम तक दोस्तों खाना हुआ, दवाइयाँ हुआ या फिर जो भी आवश्यक सामग्रियाँ हुआ, वो सभी चीज़ें इस रोबोट के माध्यम से पहुँचाया जाएगा। तो इससे जो होगा वार्ड बॉय हो गए या फिर नर्सेज हो गए या डॉक्टर हो गए, इनका संपर्क कम हो पाएगा और ये लोग इन्फेक्ट होने से बच पाएंगे, ठीक है, COVID-19 से। त्रिपुरा आया है, त्रिपुरा से रिलेटेड अभी एक क्वेश्चन और आया था। मुख्यमंत्री युवा योगा योग परियोजना इसने शुरू की थी, जिसके तहत कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनको स्मार्टफोन के लिए 5,000 रुपये दिए जाने थे, ठीक है। त्रिपुरा के बारे में थोड़ा सा और जानिए। त्रिपुरा ये रहा मैप में, अगरतला यहाँ की राजधानी है। विप्लव कुमार देव जी बीजेपी पार्टी से यहाँ के हैं चीफ मिनिस्टर। रमेश बैस जी वर्तमान में हैं गवर्नर। त्रिपुरा मैप में देखते हैं थोड़ा सा और। ये त्रिपुरा दोस्तों तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि कौन सा भारतीय राज्य तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो आप बताएंगे त्रिपुरा। उसके बाद त्रिपुरा बॉर्डर शेयर करता है असम से और मिजोरम से भी, ठीक है, इधर बांग्लादेश से शेयर ही करता है। त्रिपुरा हाईकोर्ट के बारे में जानते हैं, त्रिपुरा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? तो दोस्तों त्रिपुरा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं आकिल अब्दुल हामिद कुरैसी। कौन है? आकिल अब्दुल हामिद कुरैसी। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से किसे सम्मानित किया गया? तो मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से अभी हाल ही में शोभा शेखर जी को सम्मानित किए जाने की घोषणा हुई है। शोभा शेखर जी दोस्तों भारतीय संगीतकार हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में कलाकृति संगीत संगठन है। क्या है? कलाकृति संगीत संगठन, उसकी ये संस्थापक हैं। तो इसी वजह से इनके कम्युनिटी और कंट्री की सेवा में इनके योगदान के लिए, इनके उत्कृष्ट योगदान के लिए इनको ये अवार्ड दिया जाएगा, मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ऑस्ट्रेलिया। क्लियर है बिल्कुल, शोभा शेखर को। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, हाल ही में शंभू एस कुमारन को कहां पर भारत का राजदूत नियुक्त किया गया? तो शंभू एस कुमारन जी को अभी हाल ही में फिलीपींस में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। वर्तमान में ये मोरक्को में है, लेकिन अब ये फिलीपींस में हो जाएंगे भारत के राजदूत। अब दोस्तों पिछले दिनों में कई भारतीय राजदूत और उच्चायुक्त की नियुक्ति हुई है, सभी का रिविज़न करते हैं। मोनिका मेहता जी को अभी हाल ही में स्विट्जरलैंड में नियुक्त किया गया। सिबी जॉर्ज को कुवैत में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। राहुल श्रीवास्तव को अभी हाल ही में रोमानिया में नियुक्त किया गया। और वहीं सुशील कुमार सिंघल जी पपुआ न्यू गिनी में बनाए गए भारत के उच्चायुक्त यानी हाई कमिश्नर। गायत्री कुमार को भी हाई कमिश्नर बनाया गया ब्रिटेन का। रवीश कुमार को बनाया गया फिनलैंड का। अच्छा, उच्चायुक्त और राजदूत यानी हाई कमिश्नर और एम्बेसडर्स में क्या अंतर होते हैं, क्यों उनकी नियुक्ति की जाती है और कैसे लोगों को नियुक्त किया जाता है, इस पर मैंने आपको वीडियो दी हुई है, आप लोग ऊपर आई बटन में जाकर के देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, हाल ही में किस कंपनी ने मास्क को डिस्पोज करने के लिए BIN-19 नाम का डिवाइस बनाया? तो अभी हाल ही में दोस्तों VST मोबिलिटी सॉल्यूशंस ने BIN-19 नाम का एक डिवाइस बनाया है जो कि मास्क को डिस्पोज करने के लिए है। एक और डिवाइस बनाया है इसने UV स्पॉट। क्या है? UV स्पॉट यानी अल्ट्रा वायलेट स्पॉट नाम का एक और डिवाइस बनाया है। दोनों के बारे में पहले हम लोग जानते हैं एक एक करके। BIN-19 जो है दोस्तों ये मास्क को इकट्ठा करेगा और उसे डिस्पोज कर देगा, ठीक है, और उसे डिसइन्फेक्ट करके डिस्पोज करेगा जिससे वायरस का खतरा ना बढ़े। और यूवी स्पॉट जो होगा ये अल्ट्रा वायलेट रेज का इस्तेमाल करेगा डिसइन्फेक्ट करने के लिए, ठीक है, यानी कि परावैगनी किरणों का इस्तेमाल करेगा।
तो बेसिकली मास्क को डिस्पोज करने के लिए ये दोनों डिवाइस बनाया गया है, किसके द्वारा? VST मोबिलिटी सॉल्यूशन के द्वारा। दोस्तों ये केरल के कोचीन में एक स्टार्टअप है, ठीक है, VST मोबिलिटी सॉल्यूशंस। इसके CEO हैं एल्विन जॉर्ज। कौन है? एल्विन जॉर्ज हैं इसके CEO, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 से दोस्तों डॉक्टर रतन लाल जी को सम्मानित किया गया। डॉक्टर रतन लाल जी फेमस इंडियन अमेरिकन सॉइल साइंटिस्ट हैं, मृदा वैज्ञानिक हैं, और इनको अभी हाल ही में ये पुरस्कार दिया गया है, विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 के लिए। क्यों दिया गया है? प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और क्लाइमेट चेंजेस को कम करने वाले खाद्य उत्पादन को बढ़ाने में इनके योगदान के लिए। इस अवार्ड की प्राइज मनी होगी दोस्तों $2.5 लाख, ठीक है, $2.5 लाख की। क्लियर है? अच्छा, अवार्ड से याद आया दोस्तों, टॉप 20 टॉप कमेंटेटर ऑफ द मंथ का अवार्ड भी दिया जाता है मिश्रा जी टेक्निकल टीम के द्वारा। तो उसमें से टॉप 20 लोग चुने गए हैं जिनका नाम आपको ये शो हो रहा है। ये टॉप 20 लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ हमारी तरफ से। आप सभी लोगों ने पूरे महीने भर मैक्सिमम दिनों में टॉप 15 में अपना नाम लाया हुआ है, और इन टॉप 15 में नाम लाने की वजह से आपको दिया जाता है मई मंथ का फुल डिटेल करेंट अफेयर का ईबुक। तो मैनी कांग्रेचुलेशन एक बार फिर से आप सभी लोगों को। ऐसे ही डिटेल में आंसर करते रहिए। देखिए, डिटेल में आंसर करने से आपका ही फ़ायदा होता है, और मैं इसलिए ऐसे लोगों से कमेंट ही पिकअप करवाता हूँ जो लोग खुद से लिखे होते हैं, कॉपी पेस्ट वालों का नहीं। क्योंकि अगर आप खुद से लिखोगे तो आपको खुद रियलाइज होगा कि आप पिछले कितना आपको करंट अफेयर में नॉलेज था और अब आपका करंट अफेयर कितना ज़्यादा मजबूत होता जा रहा है। लिखने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है लिख करके पढ़ाई करने से। तो फिलहाल आप लोगों को 20 लोगों को दिया जा रहा है ये अवार्ड, जो कि हर महीने दिया जाता है। ऐसे ही आप लोग भी, जो बाकी लोग जिनका नाम नहीं आया है, वो लोग भी टॉप 15 में रोज़ाना आने की कोशिश किया करें। एक कंडीशन ये है कि आपको डिटेल में लिखना होगा और सबसे पहले आंसर करना होगा, ठीक है, टॉप 15 में आने के लिए। तो चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन सत्तर डे की। आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए, IIM के पूर्व निदेशक प्रीतम सिंह, जिनका अभी हाल ही में COVID-19 की वजह से निधन हो गया, इनको दोस्तों पद्मश्री किस वर्ष दिया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में IIT मुंबई कौन सा स्थान पे है? तो दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोनों के बारे में आपको जो पता हो डिटेल में जरूर आंसर कीजिएगा। अब आप दोस्तों वीडियो देख लिए हो तो जाओ जल्दी से इसकी क्विज भी सॉल्व कर लो। क्विज सॉल्व करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अगर आप क्विज सॉल्व करते हो तो आपको पता लगता है कि आप जितने क्वेश्चंस पर यहाँ पर टाइम लगाए हुए हो, इन्वेस्ट किए हो, उसका आपको फ़ायदा कितना मिला, आपको याद कितना हुआ। तो इस वजह से आप लोग क्विज जरूर सॉल्व किया करो। और एज ऑलवेज दोस्तों, आप लोग क्विज की अपनी रैंकिंग हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज़रूर शेयर करो। चलिए अब बात करते हैं उन लोगों के नाम की जो लोग कल की वीडियो में डिटेल में आंसर किए थे। उनके नाम हैं मनु पांडे, शांति प्रिया, श्याम शेर कुमार, स्वर्णेश्वर कुमार, सुरभि गुप्ता, दिव्या पांडे, अर्चना यादव, रविशंकर, साबिर आलम, वंदना अग्रवाल, हर्ष सोनी, शुभम यादव, रेणु यादव और अमित चौधरी, भवन सैनी। इतने लोगों ने डिटेल में आंसर किया था कल की वीडियो में। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। कैसी लगी आपको वीडियो, आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाइए। साथ ही इन दोनों इंपॉर्टेंट वीडियोज़ को जरूर देख लीजिएगा, और आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।